कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जरिए लगातार गवर्नमेंट के बनाए हुए नियमों का अनुपालन न करने की वजह से तमाम बार दिक्कतें स्टूडेंट्स को आई है। रिसेंटली एक मामला दिल्ली राउस आईएएस कोचिंग सेंटर की है, जिसमें अचानक वाटर लॉगिंग हो गई और बेसमेंट में पानी भर गया, जिसकी वजह से तीन आईएएस के लड़कों जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी मौके पे ही डेथ हो गई और एनडीआरएफ की टीम के जरिए से बीच बचाव किया गया और बीच बचाव की वजह से एक बड़ा हादसा टला। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया गया और स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया गया। हालांकि ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के चार चार मिनिस्टर्स के जरिए से सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की जो कॉरपोरेशन है जिसके जिम्मे साफ सफाई और वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करने का है, उनको कई बार निर्देशित किया गया, ऐसी बातें बीच में आई। हालांकि ये सारी बातें अपनी तरफ एक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उस पर सुनवाई शुरू कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये लगा कि स्टेट अपनी बात पे अडिग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बात पे अडिग है। हालांकि ये कई बार देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कई बार इस तरह का लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सूट और पिटिशंस के जरिए से आई है। इसी तरह से जब ये घटना हुई तो दोनों सरकार एक दूसरे के ऊपर लांछन आरोप और प्रत्यारोप कर रहे थे, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उस पे पिटीशन की टाइटल किया और पिटीशन की टाइटल के साथ साथ केस डायरी नंबर जनरेट करते हुए दोनों गवर्नमेंट से अपना जवाब मांगा है और उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रोकने में सक्षम होगा और कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइन फ्रेम होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए से, जिससे भविष्य में स्टूडेंट के कैरियर और उनकी लाइफ और लिबर्टी पे खतरा नहीं होगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई भी डिटेल जजमेंट पास नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दोनों सरकारों के बीच में तनाकशी के बीच में एक अच्छा और बेहतर कदम है। इस पे एक अच्छी गाइडलाइन अगर फ्रेम होगी तो इस पे निकट भविष्य में बच्चों के फ्यूचर सिक्योर किए जा सकते हैं।